अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप? उम्मीद का तो सब खैर से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ मक्का व्लॉग। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीनातुल मुनव्वरा में, ठीक है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम के शहर में, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा कि हम रोज़े रसूल पर कौन से रास्ते से जा सकते हैं, और दूसरा ये है कि आज आपको रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी करवाएंगे और अंदर का जो अंदरूनी मनाज़र है वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि सामने माशाल्लाह से ये बोर्ड लिखा हुआ है, रसूलल्लाह पर सलाम करने के लिए जाने का रास्ता। तो अभी हम इंशाल्लाह, उन्होंने मतलब ये पिलरों पे बोर्ड बना के लिख के लगाए हुए हैं ताकि जो ज़ायरीन है अरबी में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, ताकि जो ज़ायरीन है उनके लिए आसानी हो, उनको पता हो कि हम किस रास्ते से जाएं। मतलब उन्होंने साथ वो जो देख सकते हैं आपके तीरों के निशान भी बनाए हुए हैं। कायदा आप देख सकते हैं कि उर्दू में, इंग्लिश में और अरबी में उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी माशाल्लाह से हम जा रहे हैं हजूर पाक के रोज़े पे, ठीक है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। तो माशाल्लाह से अभी हम जा रहे हैं हजूर पाक के रोज़े पे, ठीक है। इंशाल्लाह आपको जाके रसूल पाक के रोज़े की ज़ियारत भी करवाते हैं और रियाजुल जन्ना उसकी भी ज़ियारत करवाते हैं। रियाजुल जन्ना जिसे हम जन्नत का टुकड़ा, मतलब जिसे जन्नत का टुकड़ा करार दिया गया, जन्नत की एक क्यारी बागों में से एक बाग कहा गया, ठीक है, वो रियाजुल जन्ना, जहाँ पर एक बार इंसान चला जाए तो दोबारा दोज़ख़ में नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को आज रोज़ा रसूल के जो अंदर का मतलब मनाजिर है वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। तो अभी माशाल्लाह से हम जा रहे हैं उसी तरफ, ठीक है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सब्ज़ी गुम्बद को, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। अभी असर की नमाज के बाद हम निकले हैं, ठीक है। ये माशाल्लाह से सब्ज़ी गुम्बद आपके सामने है, आप माशाल्लाह ज़्यादत कर सकते हैं सब्ज़ी गुम्बद की। माशाल्लाह मौसम भी काफ़ी प्यारा है, अच्छा मौसम है। तो ये रास्ता जा रहा है सीधा रोज़ा रसूल, मतलब जो दरवाज़ा है उसी तरफ। आगे जाके इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाते हैं वो दरवाज़ा भी। माशाल्लाह से ये हम उसी तरफ आ चुके हैं, ठीक है। वो दरवाज़ा आपको सामने नज़र आ रहा होगा, राइट साइड पे वो दरवाज़ा है। तो इंशाल्लाह आपको मैं पास जाके, बिल्कुल उसके पास जाके आपको मैं दिखाता हूँ वो वाला मनाज़र। माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कि लोग जा रहे हैं, उन्होंने अपनी जो चप्पलें हैं, मतलब शूज़ हैं, वो हाथों में पकड़े हुए अदब के लिए, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े जो अल्लाह के हबीब हैं उनके दरबार में हम जा रहे हैं। माशाल्लाह से ये दरवाज़ा है रोज़े रसूल पर जाने के लिए, जहाँ से आप लोग एंट्री करते हैं। और रोज़े रसूल पर जाने के लिए आपको किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं होती। ये भी लोगों के सवालात होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ लोगों के जहन में होता है कि शायद इसके लिए किसी परमिट की, नहीं नहीं इसके लिए आपको किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं, ये बस नमाज का जो वक़्त होता है, ठीक है, मतलब जब नमाज होती है उस वक़्त मतलब ये रास्ता बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि लोग अपने अच्छे तरीके से नमाज अदा कर सकें। बाकी जो है माशाल्लाह से नमाज के अलावा हर वक़्त ये दरबार खुला ही रहता है हमारे प्यारे नबी का। तो ये माशाल्लाह से रियाजुल जन्ना, ये मिंबर रसूल है, ठीक है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, ये आपको जो गाय सामने नज़र आ रही है ये रियाजुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना किसे कहते हैं? जो कि जन्नत का टुकड़ा है, ठीक है, जो कि जन्नत के एक बागों में से बाग है, ठीक है। ये रोज़ा रसूल के बिल्कुल साथ है, मतलब कि रोज़ा रसूल रियाजुल जन्ना के अंदर ही है। तो ये जो आप आगे आप सामने देख रहे हैं ये मिंबर रसूल है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा व्यू है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी जगह। माशाल्लाह से गाइस आप लोगों का रश भी चेक कर सकते हैं कि कितना रश है, ठीक है। देखिए लाइन लगी हुई है, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा फ्री टाइम था तो इस वजह से। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल ही रियाजुल जन्ना के अंदर, मैंने बिल्कुल मोबाइल लेके गया हूँ, तो माशाल्लाह से बिल्कुल ही अंदर का व्यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। माशाल्लाह से आप बिल्कुल देख सकते हैं रियाजुल जन्ना को। अभी रश कम है, लेकिन काफ़ी टाइम होता है कि रश काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पर।
माशाल्लाह से ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारा रिव्यू अंदर का है, रोज़ा रसूल का, रियाजुल जन्ना का, ठीक है। ये सारा रिव्यू आप अपनी आंखों से समझ ले कि आप रोज़ा रसूल को और जन्नत को देख रहे हैं इस वक्त माशाल्लाह से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, और इस वीडियो को अपने रिश्तेदार, ठीक है, और अपने दोस्त, भाई बहन, माँ बाप सबके साथ शेयर करें ताकि सब लोग ये प्यारा मंजर अपनी आँखों से देख सकें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको ये सआदत नसीब फरमाए, ठीक है। अल्लाह पाक आपको और आपके माँ बाप को भी ये नज़ारे नसीब फरमाए। माशाल्लाह से ये तो मैंने बिल्कुल ही करीब जाके ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये जाली हैं, रोज़ा रसूल की जाली हैं जिसे बोला जाता है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रियाजुल जन्ना है। तो माशाल्लाह से रश काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये देखें, ये लोगों का ग्रुप लेके आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो है ना लोग ग्रुप वाइज आते हैं रियाजुल जन्ना में, और रियाजुल जन्ना में आने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत होती है। माशाल्लाह से ये हम बिल्कुल ही रोज़ा रसूल के जाली के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके आपको अंदर के मनाजर दिखाता हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि अंदर के मनाजर भी कैमरे में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, माशाल्लाह से। तो ये अभी मैं आ गया हूँ बाहर की तरफ, ठीक है, मतलब रोज़ा रसूल से सलाम पेश करके, हजूर पाक पे दुरूद व सलाम पेश करके आपको अंदर का मनाजर भी मैंने दिखाया है, ठीक है, जूम करके के रोज़ा रसूल के बिल्कुल पास जाके, ठीक है। तो अभी मैं माशाल्लाह से आ गया हूँ बाहर की तरफ। मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारा मौसम है। ये माशाल्लाह से सब्ज़ गुंबद है, ये छतरियाँ लगाई हुई हैं, ये छतरियाँ मतलब बारिश के लिए, धूप के लिए, मतलब काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। अभी माशाल्लाह से मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ, आगे भी जाके इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ, आपको कुछ चूँकि ज़्यादा करवाता हूँ। माशाल्लाह से अभी जो है वो नमाज़ मगरब हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि लोग माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ के फिर ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, मतलब हजूर पाक के रोज़े पे जा रहे हैं, ठीक है, सलाम पेश करने जा रहे हैं, दुरूद व सलाम पेश करने जा रहे हैं, ठीक है, और रोज़ा रसूल की ज़ियारत करने जा रहे हैं। माशाल्लाह से काफ़ी रश आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो नमाज़ पढ़ने आते हैं तो फिर नमाज के बाद ही क्या उनका जहन होता है कि चलो यार हजूर पाक के रोज़े पे सलाम पेश कर रहे हैं, हजूर पाक की ज़ियारत कर रहे हैं। माशाल्लाह से सब्ज़ गुम्बद भी आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो ये दोस्तों बाहर वाला एरिया, ठीक है, ये बाहर वाला रास्ता है। माशाल्लाह से रश भी काफ़ी ज़्यादा है, शाम का टाइम है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि इस तरह प्यारी प्यारी वीडियो आपको रिसीव होती रहे। जज़ाकअल्लाह।